हेलो नमस्कार वनकम माय नेम इज़ एस सुधीर और आप देख रहे हैं स्टडी विद सुधीर आज इस वीडियो में नाइट मेल की चर्चा करेंगे जो कि डब्ल्यू एच ऑर्डन द्वारा लिखित एक कविता है एंड दिस इज पार्ट ऑफ योर आईसीएससी क्लास नाइन इंग्लिश लिटरेचर सिलेबस इन देशर चेस्ट टेक्स्ट बुक ओके तो नाइट मेल ये काफी इंटरेस्टिंग टाइटल है बिकॉज मेल शब्द जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है ट्रेन के लिए यानी कि मालगाड़ी ट्रेन के लिए भी और साथ साथ पोस्ट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कहते हैं ना ईमेल स्नेल मेल पोस्टल मेल राइट तो मेल का इस्तेमाल ट्रेन के लिए भी किया जाता है और साथ साथ लेटर्स जब आते हैं पोस्ट वगैरह आते हैं मेल उसके उस तरह के उस सेंस में भी मेल का इस्तेमाल किया जाता है एंड द वर्ड नाइट ऑल्सो गिवस ए सेंस ऑफ सेंस ऑफ सस्पेंस की रात के समय पर यह ट्रेन सवारी करती है एंड इट ब्रिंग्स मेल

उत्साह को उनके मोराल को बूस्ट करने के लिए 1935-1936 में इस कविता को लिखा था उस समय पर ही वॉज एम्प्लॉयड एस एन असिस्टेंट डायरेक्टर इन द जनरल पोस्ट ऑफिस फिल्म यूनिट नाउ मेरी आपसे रिक्वेस्ट यह रहेगी कि इसके पहले इसके कवि पोएम से पहले जो बॉक्स में जो लिखा है आपके टेक्स्ट बुक में उसको आप जरूर पढ़िए बिकॉज उसमें कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसका कि इस्तेमाल एमसीक्यूज में भी किया जा सकता है सो प्लीज पे अटेंशन टू बॉक्स इज देयर बिफोर योर ऐसा नहीं है कि उसको इग्नोर कर सकते हैं सो इट इज रिटर्न विद ए कंसिस्टेंट राइम स्कीम एंड मीटर पैटर्न बिकॉज एक तरह का म्यूजिकल क्वालिटी है इस पर्टिकुलर पोएम में देर इज अ काइंड ऑफ ए म्यूजिकल क्वालिटी जो कि काफी एंडियरिंग है एंड इट मेक्स इट वेरी अट्रैक्टिव ओके आप जैसे पढ़ेंगे आपको रियलाइज हो जाएगा देर इज अ वेरी क्लियर राइम स्कीम इन दिस पर्टिकुलर पोयम एंड द पोयम वाज सेलिब्रेटेड एज अ एग्जांपल ऑफ फिल्म साउंडट्रैक वर्स इन इंग्लिश एंड इट सेलिब्रेट्स इट टॉक्स अबाउट द अराइवल ऑफ द नाइट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू ग्लासगो ओके ग्लासगो इज इन स्कॉटलैंड लंदन ऑफ इज इन इंग्लैंड सो जब ट्रेन यहां से दूसरे देश स्कॉटलैंड में जाती है उसकी बात पर्टिकुलर पोएम में की गई है एंड इट कैरी इन द नाइट एंड यू नो कैरिंग द लेटर्स गोइंग अबाउट इट बिजनेस इवन वेन इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज स्लीपिंग नाउ वट आर द थीम्स इसके बेसिक थीम्स क्या है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद में लाइन बाय लाइन स्टैंड बाय स्टैंड

लेटर्स सो पीपल आर वेटिंग फॉर द लेटर्स इंतजार कर रहे हैं सो देर इज ए सेंस ऑफ यू नो कि लॉन्गिंग की अरे कब कब खत खत आएगा ओके okay, वो गाना है ना चिट्ठी आई है आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई, आई है वतन से चिट्ठी आई है पंकज उदास का गाना है बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद वतन आई है चिट्ठी आई है आई आई है है चिट्ठी ओके सो एंड हु डू नॉट गेट एनी मेल्स ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो खत का इंतजार कर रहे होंगे और उनको खत नहीं मिलेगा सो दे विल फील वेरी इमोशनली डिप्राइव सो इट्स It's a poem that touches upon the emotional well-being or the lack of emotional well-being for many people. Then there is a theme of time that, despite, because kai jagah pe it is kind of going up a very steep gradient, right? It still manages to keep its time. हो सकता है वो late हो, लेकिन ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से वो late नहीं होती है। और इसके बारे में मैं काफी दिलचस्प बातें आपको इस particular video में बताऊँगा। It's a symbol of progress. That you know you send letters from one part, one country to another country, England to Scotland, and thereby you are able to communicate. Uh, it also talks about the industrial age in uh, Scotland. That's again something very important, and also the train itself. The train itself, which is a symbol of modernity, okay, also of technological. advancement okay so in that sense a world which is is a world which is interconnected through mail and mail what of letters as well as the train which is connecting so that way that's what I said right at the beginning the mail word itself is very significant in the overall context of what the poem essentially talks about okay so now let's uh, get to the um uh the poem itself, the, uh, this thing and the poem itself, uh, the gender of the train, interestingly, has been declared as female, has been described as female in the entire poem, which again is quite an interesting detail. Okay, so let's now let's get to the poem, stanza by stanza, line by line, word by word. Okay. Okay, so this is the poem. You a notebook so that you can pause notes laser came okay so this is the night mail crossing the border bringing the check and the postal order so you see border order jo tha right at the beginning is my rhyme scheme coffee simple and or coffee straightforward hai. letters for the rich letters for the poor the shop at the corner the girl next door so you see border order poor door right so the night mail is crossing the border carrying letters for the people like the shopkeeper for the rich people uh, for the girl next door

उसकी बात हो रही है सो इट इज टॉकिंग अबाउट द ट्रेन क्रॉसिंग द बॉर्डर इन टू स्कॉटलैंड फ्रॉम इंग्लैंड दैट्स मीनिंग बट देर इज अटाफॉरिकल मीनिंग ऑल्सो विच मीन दैट इट इज क्रॉसिंग द बॉर्डर टू डिलीवर लेटर्स फॉर ऑल काइंड ऑफ पीपल एंड इट इज कटिंग अक्रॉस डिफरेंट बॉर्डर इकोनॉमिक बॉर्डर पुअर एंड रिच राइट शॉपकीपर एंड द गर्ल नेक्सोर सो ऑल काइंड ऑफ पीपल सो देर इज नो बाउंड्रीज अमंग काइंड ऑफ पीपल

इट इज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द रेलवे लाइन इन स्कॉटलैंड दिस पर्टिकुलर प्लेस तो यहां पर यह बताया बताया जा रहा है दूसरे चढ़ने के लिए काफी ग्रेडियंट पर चढ़ना पड़ता है लेकिन उसके बावजूद इट मेक्स इट ऑन टाइम और ये ऐसा क्यों बिकॉज उन दिनों पर जब ये कविता लिखी गई थी टू हेल्प ट्रेन देर वॉज समथिंग कॉल्ड ए बैंकिंग लोकोमोटिव उन दिनों पर देर वॉज समथिंग कॉल्ड बैंकिंग लोकोमोटिव्स तो वो करते क्या थे ये बैंकिंग लोकोमोटिव्स को ट्रेन के साथ में इंजन के साथ अटैच कर देते थे राइट टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा पावर कि वो ग्रेडियंट को पुल करने के लिए एक्स्ट्रा पावर मिले ताकि वो ट्रेन पुल हो सके सो दैट्स हाउ इट यूज टू मेक इट ऑन टाइम ओके आई थॉट दैट वॉज एन इंटरेस्टिंग डिटेल नाउ द जर्नी ऑफ द ट्रेन इज टू ओवरकम सेवरल हर्डल्स एंड ये एक तरह का मेटाफर है क्योंकि हमको जिंदगी में भी ऐसे कई सारे हर्डल्स को क्रॉस करना पड़ता है वो कहते हैं ना कि यू शुड नॉट कॉमेंट बैडली अबाउट एनी अदर पर्सन क्योंकि आपको उन तुमको उनकी जर्नी के बारे में नहीं मालूम है तुमको उनके हर्डल्स के बारे में नहीं मालूम है राइट सो नेवर कॉमेंट बैड अबाउट एनी वन एल्स पोजिशन अरे तू फेल हो गया तुमको क्या मालूम कि वो किस तरह की सरकम में पढ़ता है या नहीं पढ़ पाता है Right. So it's always nice to be more understanding, more compassionate. And this I'm saying as general advice to all my young friends: be like that. It always helps you make more friends in life. Right. So uh, it is a metaphor for that we need to work hard in order to achieve one's goal and those banking locomotives. Halakuska mentioned, but I'm telling you the background, they are kind of like friends, which is kind of helping them. राइट लाइक कई आपके दोस्त होंगे आपको जरूरत है मदद की आपको वो चैप्टर समझ में नहीं आया सो यू आर सीकिंग हेल्प फ्रॉम दैट फ्रेंड इज एबल टू हेल्प यू लाइक आई एम लाइक ए फ्रेंड इफ यू डोट अंडरस्टैंड एनी चैप्टर आई एक्सप्लेन इट सो दैट आई एम लाइक ए फ्रेंड हुट आउट ऑफ दैट डिफिकल्ट सिचुएशन ओके सो आई एम लाइक ए बैंकिंग लोकोमोटिव नाउर इज ऑल्सो द विजुअल इमेजरी एज अ पोएटिक डिवाइस विजुअल इमेजरी का इस्तेमाल किया गया है एक तरह के उस समय के इंडस्ट्रियल एज uh, को भी दर्शाता है एंड इट काइंड ऑफ कन्वेज लॉट ऑफ पावर नो जब जब ट्रेन में से धुआं निकलता है आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं देखा होगा आप तब तो, तो मेट्रो जनरेशन के लोग हैं तो उस जमाने में

गुजर रही है ट्रेन ओके सो वो बैठ के स्लम्बर मतलब वो सोते रहते हैं। जो जितनी भी पर पर खेत, वगैरह उस उस ज़िंदगी है, उसका ट्रेन के गुजरने का उस पर किसी भी तरह का असर नहीं पड़ता है द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन डज नॉट मेक ए डिफरेंस टू द लाइफ ऑन दम्स बाय द साइड एक्सेप्ट फॉर अ जग इन बेडरूम विच जेंटली शेक सो दिस इज द ओनली A movement that happens. bedroom, If you go in a train, you will find there are some houses which are situated, built very close to the railway track. So, whenever the train moves, because of the uh, physics of it, I'm sure you understand this the movement of the train. उस विच इज वेरी क्लोज टू द रेलवे ट्रैको मूव तो उसमें भी काफी एक तरह से गड़गड़ाहट होती है तो वहां पर बेडरूम में जो जग रखा है पानी का वो एक तरह से जेंटली शेक करता है देन उसके बाद सो यू सी देर इज अड ऑफ इमेजरी विजुअल इमेजरी ऑल्सो साउंड इमेजरी विच हैजीन यूज नेक्स्ट मॉर्निंग का समय आ जाता है सुबह हो गई है ओके okay? सुबह हो गई मामू मामू चंदा ना टा 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 ओके बाय द टाइम इट्स अर्ली मॉर्निंग डॉन फ्रेशन्स हर क्लाइंब इज डन सो रात को वो पूरी चढ़ाई चढ़ गई है एंड इट इज रीच द डेस्टिनेशन वेयर टुवर्ड्स ग्लासगो इन स्कॉटलैंड शी सो वहां पर एक तरह की ढलान है ओके okay, सो so यहां पर डॉन डन डाउन ओके okay, डिसेंस एक तो डी का काफी सारा एलिट्रेशन है इसके साथ साथ आप ये तीनों शब्द देखें ओके इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नो दोनाशन इज वेरी क्लोज टू ईच अदर डॉन यानी कि सुबह डन यानी कि हो गया डाउन मतलब नीचे सो ऑल थ्री ऑफ देम आर यूजिंग मच सिमिलर काइंड ऑफ एल्फाबेट एंड दे साउंड देउंड लिटिल सिमिलर शी डिस यानी कि नीचे ढलान टर्ड्सिंग डाउन ग्लेड ऑफ ग्रेन टूवर्ड्स फील्ड्स ऑफ एपरेटर्स हब ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वहां पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी काफी सारी हो रही है लॉर्ड ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी ग्लेड मीन्स एन ओपन एरिया ये जो ग्लेड ऑफ ग्रेन्स है ग्लेड का मतलब है ओपन एरिया ओके

उसका इंतजार कर रहा है ट्रेन की कब आएगी कब हमारी चिट्ठियां आएंगी ओके इन डार्क ग्लेंसेंस इज ए नो वैली इन स्कॉटलैंड इट्स वैली इट्स अ वैली विद वेरी स्टीप साइट ओके दैट्स वॉट इट इज कॉल्ड बिसाइड्स पेल ग्रीन लॉक्स लॉक्स इज अज दर्ड फॉर लेक्स लॉक्स का मतलब तालाब ओके दैट्स वॉट इट इज कॉल्ड

लेटर आया है कि आपका, दिया है, आपका uh, girl, letters, कोई न्योता भेजा है या किसी तरह का बिल्स भेजे हैं टू इंस्पेक्ट न्यू स्टॉक टू विजिट रिलेशन राइट तो दिस इज लाइक कमर्शियल एक्टिविटी दिस इज लाइक पर्सनल एक्टिविटी एप्लीकेशन फॉर सिचुएशन यानी कि जॉब uh, इंटरव्यू के लिए कि ये वैकेंसी है उसके लिए एप्लीकेशन किसी ने भेजा हो टिमिड लवर्स डिक्लेरेशन कि मैं तुमसे प्यार करता हूं या प्यार करती हूं उस तरह का ऐलान भी किया है इन चिट्ठियों में लव लेटर्स अगेन गॉसिप किसी के बारे में गॉसिप कर रहे हैं फ्रॉम ऑल नेशन हर देश से गॉसिप भी आ रहा है कि यू नो किसी 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 के बारे में कुछ ना कुछ बताया जा रहा है न्यू सर्कमस्टांशल की कोई खबर के बारे में बताई जा रही है फाइनेंशियल खबरों के बारे में बताई जा रही है लेटर्स विद हॉलीडे स्नैप्स कोई पे क्या है उसके फोटोग्राफ्स भेजे हैं टू इन लेटर्स विद ऑन द मार्जिन अब जैसे यहां पर ऐसे फेसेस वगैरह मार्जिन पे चेहरे वगैरह बह डूडलिंग की की गई है राइट लेटर्स फ्रॉम अंकल्स कजिन एंड आंट लेटर्स को स्कॉटलैंड फ्रॉम द साउथ ऑफ फ्रांस तो कई बाकी सारे देशों से भी खत आए हैं letters of condolence to highlands and lowlands right so uh, highlands and lowlands are two distinct geographical regions of scotland ye highlands and lowlands do alag regions hain jahan tak uh, scotland ka sawal hai right and uh, the pink uh, paper of every hue hue matlab har kism ka paper हर किस्म के paper पे ये खत लिखे गए हैं समर रफ समर स्मूथ समर ग्लॉसी समर मैट finished. द पिंक वायलेट एंड दिंक अलग अलग uh, रंग रंगों के हैं दैटी द कैटी द बोरिंग दाइट न्यूज सर्कमस्टांसल न्यूज हुई हो द कोल्ड एंड द ऑफिशियल एंड दार्ट आउटोरिंग हार्ट आउटपोरिंग में दिल का बयान पूरी तरह से उस चिट्ठी में कर दिया कुछ लेटर्स है विच आर वेरी वेरी कोल्ड जिसमें कोई इमोशन नहीं है और कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो की काफी ऑफिशियल काइंड ऑफ लेटर्स है क्लेवर शॉर्ट एंड ंग कुछ चतुर लेटर्स हैं कुछ बेवकूफिया अंदाज में लिखे गए हैं कुछ छोटे लेटर्स हैं कुछ काफी लंबे लेटर्स हैं कुछ को टाइप किया गया है कुछ को प्रिंट किया गया है और कुछ के स्पेलिंग पूरे गलत हैं ओके थाउजेंड्स आर ए स्लीप ड्रीमिंग ऑफ टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स नाउ जब ये ट्रेन नाइट मेल स्कॉटलैंड में ग्लासगो की तरफ आती है तब वहां पर कई सारे हजारों लोग अभी भी सोए पड़े हैं और वो सोए पड़े हैं सपने देख रहे हैं किसी तरह के मॉन्स्टर्स के राइट वो अपने खुद के सपनों में हैं, राइट दे आर हैविंग देयर ओन इंडिविजुअल ड्रीम्स और अ फ्रेंडली टी सो भयानक सपने भी हो सकते हैं या अच्छे सपने भी हो सकते हैं फ्रेंडली टी बिसाइड द बैंड इन क्रांसटन और क्रॉफर्ड ओके Now, um uh, Cranston and Crawford are again uh, parts of uh, the cities, okay. Uh, working Glasgow, asleep in well-said Edinburgh, is called Edinburgh. Iska pronunciation hota hai. That's the capital of Scotland, it is called Edinburgh, okay. Now, these are Glasgow and Aberdeen are also important cities, and Edinburgh is the capital of scotland this is another city glasgow this is aberdeen is another city long for letters okay and hope for letters and long for letters is um, talking about the anticipation for the uh, letters by the people out there and none will hear the postman's knock without a quickening of the heart without a quickening that you know dil ki de jab postman akar knock unke but who can bear to feel himself Forgotten, लेकिन कोई भी अपने आप को अगर आपकी आपकी कोई चिट्ठी नहीं आती है तो आपको लगता है कि मेरे को कोई याद नहीं करता है यू नो नो वनिंग वॉन्ट्स टू बी इन दैट स्टेट वेयर ही और शी थिंग अरे मेरे को तो कोई याद ही नहीं करता इसीलिए किसी ने मेरे लिए कोई चिट्ठी नहीं भेजी है और इसी लास्ट लाइन से इस लास्ट लाइन से आपको अंदाजा हो जाता है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ The mail of the letters that it ensures that everyone feels remembered. Everyone, you know, he or she is forgotten by the people who are near and dear to him. They don't feel isolated, they don't feel lonely, they don't feel forgotten. Okay, so the last stanza. The last stanza, especially the last these few lines, is about the impact on human lives in Scotland as a result of what work the night mail does. ke it ensures that the mail reaches so that it can impact the people for who the letters have arrived.

इज एन ऑनोमेटोपिया यानी कि जिस तरह की आवाज निकल रही है उसी को वर्ड के रूप में यूज करना एलिट्रेशन का तो वो डन डन वगैरह काफी हमने यूज किया था राइट शोवलिंग व्हाइट स्टीम ओवर द शोल्डर अगेन शह का जो इस्तेमाल है सो so, काफी सारे पोएटिक डिवाइसिस का भी इस्तेमाल इसमें किया गया है मेटाफर द स्टीप क्लाइंब द स्टडी ग्रेडियंट is against her. That is a metaphor for the hurdles, the problems in life, right? So that's as far as this particular poem is concerned. I, I hope you enjoyed Samaj may be it, right? Now, if you revise this, and as I always say, if you want, if you're looking for more kind of thing, explanation in English, you can get connected with our English literature course on the Study with Sudhir app, where there you will get many, much more of detail in terms of notes and question answers etc which would be of use to you and of course 24 by 7 doubt solving okay data bye bye thank you very much god bless you